हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। एज यू नो, टुडे इज संडे एंड संडे को हमारा वोकैबलरी सेशन रहता है। तो आज ये वोकैबलरी सेशन टू है। इससे पहले एक वोकैबलरी का फर्स्ट सेशन आ चुका है, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कराया था, फोनेम मॉर्फीम जैसे वर्ड्स कराए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे कुछ अलग वर्ड्स जो एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, संडे है तो संडे को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, वोकैबलरी देखिए और दोबारा दोबारा वीडियो देखिए ताकि आपको वो वोकैबलरी लर्न हो जाए, क्योंकि वोकैबलरी के नोट्स बनाने इट इज नॉट कंपल्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है डायलेक्ट। देखिए, डायलेक्ट को आप हिंदी में कहते हैं बोली। आप जानते हैं अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोलियां होती हैं, राइट? तो डायलेक्ट वर्ड आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो डायलेक्ट मीन्स हुआ बोली जो आपको लोकल वर्नाकुलर मीन जो आप लोकली बोलते हैं ना, हम उसको बोलते हैं बोली। जो डायलेक्ट है उसका दूसरा नाम होता है वर्नाकुलर। ठीक है, उसको सिमिलर बोलते हैं, मीन्स जो आपकी लोकल भाषाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं डायलेक्ट। ठीक है, देखिए, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन जो होता है मेनली हेलो बोलता है, हेलो। ठीक है, हेलो बोल दिया, हाय बोल दिया। ठीक है, बट जो जैसे आप बोलते हैं ना साउथ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन जो होते हैं वो हाउडी बोलते हैं, हेलो को वो बोलते हैं हाउडी। ठीक है, और इसी तरीके से यो, कहीं ना कहीं पे यो बोला जाता है। आप जानते हैं नमस्ते होता है पंजाबी, अगर लू तो सत श्री अकाल कहते हैं, इंग्लिश में हेलो होता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग भाषाएं अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, हम उन्हें कहते हैं डायलेक्ट। ठीक है, ये मेनली रीजनल लैंग्वेज होती है, जो रीजन की लैंग्वेज होती है ना उसको हम कहते हैं डायलेक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर है? तो देखिए, डायलेक्ट आपको क्लियर हुआ। डायलेक्ट आप जानते हैं, डायलेक्ट इज नॉट एज सिमिलर एज एक्सेंट। जो आपका एक्सेंट होता है, जैसे पंजाबी में अलग एक्सेंट होता है, एक्सेंट अलग होता है, डायलेक्ट अलग होती है। क्लियर? डायलेक्ट को आप बोली कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रिपीट कर रही हूँ, डायलेक्ट इज नॉट सेम एज एक्सेंट। एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक बार डायलेक्ट देख लेते हैं। डायलेक्ट बोला गया, डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पेसोलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन। कि ये जो डायलेक्ट ऐसी लैंग्वेज है जो एक स्पेशली एक रीजन की पेसुलियर होती है, मीन्स एक स्पेसिफिक रीजन की ही होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डायलेक्ट, याद रखिएगा। चलते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है बुक को कोई लोग बोलते हैं कतावा और कोई इसे कहते हैं कताबो। ठीक है, तो अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग बोलियां हैं। क्लियर हुआ? चलेंगे आगे। डिक्लेमेशन वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्लेमेशन एक एक तरह की स्पीच है। जैसे आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक बहुत जो स्पीच थी उनकी बहुत फेमस हुई थी, तो उस स्पीच के जो वही सेम स्पीच जब कोई और बंदा, कोई और पर्सन, कोई और पीपल जब यूज करता है और उसी स्पीच को दोबारा बताने की कोशिश करता है तो हम उसे कहते हैं डिक्लेमेशन। ठीक है, चाहे वो आपको कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो आपका एक राइवल हो, वो उसको पब्लिक में इंटरप्रेट करता है और दोबारा मेमोराइज करता है कि उस जो पर्सन था उसने ये कहा था। ठीक है, तो डिक्लेमेशन होता है जब हम अपने किसी कॉम्पिटिटर की स्पीच देख लेते हैं या हम किसी अपने राइवल की स्पीच को हम दोबारा एक नया मोड़ दे के बताते हैं, हम उसे कहते हैं डिक्लेमेशन। क्लियर हुआ? तो डिक्लेमेशन देख लेते हैं। अ स्पीच यूज्ड टू डिस्क्राइब द री गिविंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट और फेमस स्पीच। बिल्कुल ऐसी स्पीच जो इम्पॉर्टेंट और फेमस थी उसको हमने दोबारा, री गिविंग मतलब हमने उसको दोबारा उठा दिया। ठीक है, इट कुड बी पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल हो सकती है, मींस राजनीतिक हो सकती है, ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट हुए हो तब किसी ने स्पीच बोली हो, और या कमेंसमेंट, कोई चीज शुरू करते टाइम वो स्पीच बोली गई हो, तो वो होती है डिक्लेमेशन। याद रखिएगा, री गिविंग होता है, दोबारा स्पीच बोलने को हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नीचे देखिए, एक मार्टिन लूथर किंग बनाए हुए हैं, उनकी जो डिक्लेमेशन थी बहुत फेमस हुई थी, और ये बताया गया, द कॉम्पिटिटर फाइंड्स अ स्पीच दैट हैज प्रीवियसली बीइंग डिलीवर्ड इन पब्लिक, एनालाइजेस एंड इंटरप्रेट इट, मेमोराइजेस इट एंड देन गोज टू कॉम्पिटिशन विद इट। कि वो स्पीच को बोलते हैं, अगर जो कॉम्पिटिटर होता है वो स्पीच को यूज करता है, उस तरीके के वर्ड्स लाता है और अपने कॉम्पिटिटर के लिए वो दोबारा उसको रीगिव करता है, दोबारा बताता है। क्लियर हुआ? आप ये नोट
कर लीजिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है, जो आपका कंफर्ट लेवल हो ना उसको करना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पैराडॉक्सी आप समझते हैं, हाँ भी और ना भी, पैराडॉक्सी कहते हैं जिसे हम, जो कि फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ते हैं, पैराडॉक्स. ठीक है, तो पैराडॉक्स होता क्या है? ऐसे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऐसा जिसमें वर्ड जो है वो कंट्राडिक्टरी होते हैं, मीन्स ऑपोजिट होते हैं, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. ठीक है, देख लीजिए, टू स्टेटमेंट्स विच आर ऑपोजिट मीन्स कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा समझ आएगा, देखिए, डेथ इज द एंड, जो डेथ है वो एंड है, मीन्स जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी जो जीवन यात्रा होती है वो खत्म हो जाती है, येट द न्यू बिगनिंग, पर वहीं से ही उसकी शुरुआत होती है. देखिए, यहाँ पे एंड आ गया और यहाँ बिगनिंग आ गया, तो एंड मतलब और बिगनिंग मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, एंड मतलब खत्म होना, बिगनिंग मतलब शुरू होना, बट सेंटेंस ठीक है, देखिए, है ना. नेक्स्ट देखिए, डोंट गो टू वॉटर अंटिल यू हैव लर्न हाउ टू स्विम. गो टू वॉटर, पानी में मत जाना जब तक तुम्हें स्विम करने ना आ जाए. कंट्राडिक्टरी है, कैसे है, पानी में अगर जाएगा, बोल रहा है कि पानी में मत जाना, बट यहाँ तो उसने पानी में जाने से मना कर दिया, बट यहाँ कह रहा है यू हैव लर्न हाउ टू स्विम, मीन्स चाहता है कि वो पानी में जाए, तो ये भी कंट्राडिक्टरी हो गई, है ना. तो इस तरीके के आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे. नीचे आप देखिए, साइन बोर्ड बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है साइन इन, साइन नॉट इन यूज. देखिए, आपको जब साइन बना हुआ मिल रहा है, जब साइन बना हुआ है तो मतलब यूज के लिए तो होगा, बट यहाँ लिख दिया साइन नॉट इन यूज, मीन साइन बना भी हुआ है और उस पर लिखा भी हुआ है नॉट इन यूज, तो ये भी कंट्राडिक्टरी है. कुछ नीचे एग्जाम्पल्स हैं, जिसको एक फिगर क्लियर नहीं दिख रही हो, आई रिक्वेस्ट आप जाएंगे साइड में, आपके थ्री बटन देखने को मिलते हैं लाइक दिस, इस टाइप के बटन आपको देखने को मिलते हैं, वहां जाके 360 पिक्सल मीन्स पे अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर लीजिएगा, फिर आपको क्लियर दिखाई देती है. ओके, तो ये कर लीजिए. काफी कंप्लेंट्स आ जाती है मुझे कभी कभार कि मैम पिक्चर क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो क्लियर दिखाई देगी, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ठीक है, देख लीजिए, पैराडॉक्स बताया गया है, कंट्राडिक्टरी होती है कि कुछ ट्रू हो सकता है कुछ फॉल्स, इस तरह की होती है. और एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, मुझे काइंड मीन्स मुझे दयालु होने के लिए थोड़ा क्रूएल बनना पड़ेगा, तो क्रूएल मतलब होता है जो सिर्फ अपनी सोचे क्रूएल हो, और काइंड मतलब होता है दयालु, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है बट इसका मीनिंग करेक्ट है. ठीक है, आई एम नोबडी लिखा है, मैं कुछ नहीं हूं, बट कुछ है तभी कुछ लिख रहा है वो. ठीक है, नो वन गोज देयर बिकॉज इट्स टू क्राउडेड, वहां कोई जाना नहीं चाहता बिकॉज वहां बहुत क्राउड है, तो कोई जाना नहीं चाहता, क्राउड है. ठीक है, द बिगनिंग इज राइज, ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ ऊपर वाला, ये लिखा है द बिगनिंग ऑफ द एंड, मतलब कि खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है, द बिगनिंग ऑफ द एंड बोलते नहीं है आजकल, आप देख रहे हैं माहौल कैसा है, कोरोना है, साथ साथ आप देख रहे हैं अर्थक्विक्स भी आ रहे हैं दिल्ली में, स्पेशली आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली में ये अर्थक्विक्स भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं वो उल्का पिंट का भी है कुछ. ठीक है, मतलब बोल रहे हैं द बिगनिंग ऑफ द एंड, अब खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का यूज होता है, राइट. और लास्ट है, इन ऑर्डर टू लीड यू मस्ट फॉलो, तुम्हें आगे चलने के लिए तुम्हें किसी को फॉलो करना पड़ेगा, बट फॉलो मतलब क्या होता है, पीछे चलना, और लीड मतलब क्या होता है, आगे चलना, तो देखिए ये भी कंट्राडिक्ट कर गया. तो इस तरीके के वर्ड्स आपको कंट्राडिक्ट करते हुए मिलेंगे. ठीक है, इन्हें ही हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, एग्जाम में देखने को मिलते हैं. ठीक है, आइए, रेटोरिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. रेटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जब पर्सन क्वेश्चन तो करता है बट वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता. ओके, देख लेते हैं क्या है. अ टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट और मेक अ पॉइंट रेदर देन टू गेट आंसर, कि एक ड्रामेटिक इफेक्ट मीन्स आपको एक चौंकाने वाला इफेक्ट पहुंचाते हैं, वो सिर्फ एक पॉइंट मारते हैं ना कि वो किसी आंसर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा. देखिए, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ.
अब आप बताइए, अगर वो स्टूपिड है, अगर सामने वाले ने यस में आंसर दिया तब भी फील होगा कि भाई स्टूपिड बोल दिया, और अगर नो में आंसर दिया तो कंट्राडिक्टरी बन जाएगा, ठीक है? तो हाउ कुड बी आई सो स्टूपिड, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकती है, राइट? और नेक्स्ट देखिए, कैन बर्ड्स फ्लाई, क्या बर्ड जो है वो उड़ उड़ सकती हैं? तो ऑब्वियसली यार, बर्ड्स तो उड़ ही सकती हैं, बर्ड्स का नाम ही उड़ने से रखा है, दे आर फेदर्स टू फ्लाई। डू डॉग्स बार्क, जो डॉगीज हैं वो बार्क, भौंक सकते हैं, ऑब्वियसली। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है उन्हें हम कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है? इसने देखिए फेस खोला है, इसका क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड आई ओपन माय माउथ, मैं अपना मुंह क्यों खोलूं, ठीक है? तो मुंह खोलने के लिए जब बोलोगे तो मुंह खोलना ही पड़ेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं, जब आप किसी पॉइंट पे स्ट्रेस देते हैं ना, आप आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, आप सिर्फ पॉइंट, एक पॉइंट पे स्ट्रेस देते हैं, लाइक पॉइंट मारना बोलते हैं ना, वो होता है, ठीक है? रेटोरिकल क्वेश्चन याद रखिएगा, ओके? चलते हैं आगे, एक्सटेम्पोर, ये सब स्पीच है। एक्सटेम्पोर देखिए, एक्सटेम्पोर भी एक तरह की स्पीच है जो मेनली बच्चों के क्रिएटिव चैनल को डेवलप करने के लिए क्लासरूम, लैंग्वेज क्लासरूम में यूज किया जाता है। अब देखते हैं वो है क्या। एक्सटेम्पोर इज अ स्पीच दैट इज गिवन ऑन द स्पॉट, ये ऐसी स्पीच है जो बच्चों को ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है। मीन्स बच्चों को जब टॉपिक दिया जाएगा तभी तुरंत उन्हें 1 से लेकर 3, मतलब कि 4-5 मिनट तक, कितने मिनट ले लीजिए, तो ये एक ऐसा टॉपिक, ये एक ऐसा परफॉर्मेंस बोल दीजिए, ये एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए टीचर यूज करती है। लाइक इससे क्या होता है, जो बच्चों की स्पीकिंग है ना वो डेवलप होती है, बच्चों में अलग तरीके का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, मीन्स मस्तिष्क उद्वेलन होता है बच्चों में। अब हम पढ़ते हैं एक्सटेम्पोर है क्या। तो देखिए, एक्सटेम्पोर एक ऐसी स्पीच है जिसमें बच्चों को टॉपिक एट द स्पॉट, मीन्स टॉपिक बच्चों को तभी गिवन किया जाता है, मीन्स बच्चों को टॉपिक तभी दिया जाएगा, मतलब एट द स्पॉट तभी टॉपिक दिया गया, और उनको विदाउट एनी प्रिपरेशन, उन्हें कोई प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिला, बच्चों को एट द स्पॉट उस टॉपिक पे 3 से 4 मिनट तक बोलना होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ वाइल्ड एनिमल्स में, अब मैंने बच्चों को टॉपिक दे दिया, आप किसी भी वाइल्ड एनिमल पे, आपके जैसे ही नंबर आता है आपको उस पे 4 से 5 मिनट तक बोलना है, तो बच्चों के मन में जो भी आएगा कि इसके 4 लेग्स होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, इस टाइप के उनके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, राइट? इससे जो बच्चों के मन में जो आइडिया फॉर्मेशन होता है, जो कंसेप्ट बनते हैं वो डेवलप होती है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जब वो अलग अलग आइडियाज बच्चे के निकल के आते हैं ना। अब बच्चे को बोलना है क्लासरूम में, अपने आप को मतलब कि मोर प्रेफरेंशियल भी देना है कि मुझे ही सब देखें, मैं ही अच्छा दिखूं, मैं ही अच्छा बोलूं, तो अपने ब्रेन को वो घुमाता है, मतलब ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज करता है, मस्तिष्क को उद्वेलता है, ठीक है? तो इस टाइप की स्पीच को हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, राइट? इससे क्या फायदे हैं, बच्चे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, जब वो बोलेगा उसको बोलने का मौका मिलता है, आइडिया फॉर्मेशन होती है, और लास्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग तो बहुत ही ज्यादा होता है, राइट? चलेंगे आगे, एक्सटेम्पोर का ऐसे मैंने पिक्चर लगाई है, देख लीजिए, पिक्चर से अच्छा समझ आता है, तो पिक्चर भी देख लीजिए, ओके? चलते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वैसे ही आपके जो वर्ड्स फॉर्मेशन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं जो एग्जाम में पूछता है। दिस इज कंप्लीट वोकैबुलरी सेशन, ओके? तो फर्स्ट होता है जब वर्ड बनता है तो वो 3 टाइप से बनता है बस। फर्स्ट होता है कंपाउंडिंग, जिसे आप बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंड मतलब होता है जोड़ना, और दूसरा होता है क्लिपिंग, क्लिप मतलब होता है कि इस चीज को छोटा करके बताना, क्लिप करना। और फर्स्ट हो गया आपका कंपाउंडिंग, सेकंड हो गया आपका क्लिपिंग, थर्ड आपका होता है ब्लेंडिंग, ये आपको सब बता देंगे अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये 3 वर्ड फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा, वर्ड जो फॉर्म होते हैं वो 3 तरीके से ही बनते हैं, फर्स्ट है कंपाउंडिंग, सेकेंड है क्लिपिंग, थर्ड है ब्लेंडिंग। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, फर्स्ट जब भी वर्ड बनेंगे तो वो 3 टाइप से ही बनते हैं, फर्स्ट इज कंपाउंडिंग, सेकेंड इज क्लिपिंग, थर्ड इज ब्लेंडिंग। इसको हम लाइन वाइज जानेंगे, ओके? फर्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग वो वर्ड्स बनने की फॉर्मेशन है जब दो
वर्ड्स देखिए, कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग और कंबाइनिंग टू मोर वर्ड्स टू मेक अ लॉन्गर वर्ड। जब आप दो वर्ड्स को मिला देते हो, जब उनसे एक लॉन्गर वर्ड बन जाता है, आप उसको बोलते हो कंपाउंड। एक बात ध्यान रखनी है, जो दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनेगा, उन दो वर्ड्स, अगर उन दो वर्ड्स को आप अलग अलग करते हो तो उनका अपना सेपरेट मीनिंग होता है। लाइक रेन प्लस कोट, रेन आप जानते हैं बारिश, और कोट मतलब बारिश में कोट पहनना, तो रेन कोट बन गया, ऐसा कोट जो हम बारिश में पहनते हैं, रेन कोट। तो आप याद रखिए कंपाउंडिंग क्या है, दो वर्ड्स को मिलाना, बट जो दो वर्ड्स मिलेंगे उनके अपने सेपरेट मीनिंग होते हैं, राइट? समझ आ रहा है? तो रेन प्लस कोट, रेन कोट। बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल, समझते हैं? बास्केट टोकरी और बॉल, टोकरी में जो बॉल डालते हैं उसको हम बोलते हैं बास्केटबॉल। वर्क रूम, ऐसा रूम, ऐसा रूम बोलिए जिसमें आप काम करते हैं, वर्क रूम होता है, ठीक है, वर्क रूम। अब देखिए, ये जो कंपाउंडिंग होते हैं ये अलग अलग टाइप से आपके बनते हैं। कभी कभार आप नाउन और नाउन, दो नाउन को जोड़ते हैं। नाउन आप जानते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स को बोलते हैं नाउन, ये थोड़े यहाँ से कट गया है, नाउन बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स को। देखिए कंपाउंडिंग में जब आप दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, आपको ये बात तो समझ आ चुकी है, बट उस प्रोसेस में आप कभी कभार दो नाउन को जोड़ते हैं, कभी आप नाउन और एक एग्जेक्टिव को जोड़ते हैं, कभी आप एग्जेक्टिव और नाउन को जोड़ते हैं, तो इस तरीके से आप कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है। नाउन आप जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं, एग्जेक्टिव आप जानते हैं, विशेषण को कहते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको हम कहते हैं विशेषण, मीन्स एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब आपने नाउन और नाउन को मिलाया, मीन्स आपने कॉफी प्लस कप को मिलाया, बन गया कॉफी कप। टॉवल और रैक को मिलाया, बन गया टॉवल रैक, ठीक है। अब जब आप नाउन और एग्जेक्टिव को भी मिला सकते हैं, तो नाउन और एग्जेक्टिव फैट प्लस फ्री, फैट फ्री बोलते नहीं, ये ऑयल फैट फ्री है, ठीक है। लैप प्लस टॉप, लैपटॉप, तो इस तरीके से वर्ड्स बनते हैं। व्हाइट कॉलर, ठीक है, ब्लू बर्ड, ये सब समझ आ गया। कंपाउंडिंग समझने की बात ये थी, जब आप दो छोटे वर्ड्स को मिला के एक बड़ा वर्ड बना देते हैं, पर उन दो छोटे वर्ड्स के अपने मीनिंग होते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज क्लिपिंग। वर्ड फॉर्मेशन के तीन टाइप्स बताए थे, फर्स्ट कंपाउंडिंग, सेकेंड क्लिपिंग और थर्ड ब्लेंडिंग। अभी हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज क्लिपिंग। आइए क्लिपिंग पढ़ेंगे। क्लिपिंग क्या होता है, जब आप बड़े वर्ड को एज अ शॉर्ट में लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लिप वर्ड्स। देखिए, क्लिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ द बिगनिंग, हम वर्ड की बिगनिंग काट देते हैं, और द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड का एंड काट देते हैं, और बोथ लीविंग अ पार्ट टू स्टैंड फॉर अ वाइल, कि दोनों को काट के एक हम दोनों को भी काट सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लिप्ड वर्ड्स। समझ आया? जब हम किसी वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं, हम उसके पीछे या कुछ पीछे का काट देते हैं या आगे का काट देते हैं, हटा देते हैं, काटे मीन्स कटिंग, कट कर देते हैं, हटा देते हैं, हम उसे कहते हैं क्लिपिंग। लाइक देखिए, प्रोफेसर को प्रोफ लिखते हैं, जिमनेशियम को हम जिम लिखते हैं, मैथमेटिक्स को हम मैथ लिखते हैं। देखिए, सबके पीछे के वर्ड्स हमने कट कर दिए हैं, राइट? और एग्जाम्पल देखिए, एग्जामिनेशन एग्जाम बोलते हैं, जिमनेशियम जिम बोलते हैं, ओमनी बस सिर्फ बस बोल देते हैं, ब्रिसायर ब्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से लेबोरेटरी को लैब बोल देते हैं, हैमबर्गर को सिर्फ बर्गर कह देते हैं, वेटरेरियन, अच्छा वेट कह देते हैं, ठीक है, जो पुराने हैं उन्हें हम बोलते हैं वेटरेरियन, तो पुराने जो है वेट कह देते हैं जैसे हम, ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्लिपिंग क्या समझ आया, जब आप वर्ड के पीछे और आगे को काट के उनकी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, हम उन्हें कहते हैं क्लिपिंग, ठीक है। अब देखिए, जो क्लिपिंग होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। आइए साइड में पिक्चर पे आइए, क्लिपिंग तीन तरीके के हैं। फर्स्ट है बैक क्लिपिंग, सेकंड है फोर क्लिपिंग, थर्ड है मिडिल क्लिपिंग। बैक मीन्स एंड पोर्शन काट देंगे, ठीक है, फोर मीन्स बिगिनिंग काट देंगे, और मिडिल मीन्स ओनली मिडिल पार्ट को ही हम रखेंगे, आगे पीछे दोनों को काट देंगे। याद रखिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। क्लिप मतलब जब आप अपने बालों में क्लिप लगाते हैं तो आप बालों को टाई कर लेते हैं ना, बालों को आप काटते नहीं है, सॉरी, आप बालों को टाई कर लेते हैं, राइट?
तो अब यहाँ पे भी आप टाई से कुछ अपनी ट्रिक्स बना लीजिएगा, ओके। एग्जाम में पूछे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सेशन है, ओके। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यस लिख दीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग पे आते हैं। ब्लेंडिंग क्या है? ब्लेंड मीन्स होता है जब आप दो वर्ड्स को, कुछ कुछ पार्ट्स को मिला के एक नया वर्ड बना लेते हैं, जो आजकल ट्रेंड में होते हैं, राइट। ब्लेंड ट्रेंड, याद कर लीजिए, ठीक है। चलो ट्रिक भी हो गई एक हमारी, ब्लेंडिंग, ब्लेंड में, ब्लेंड मीन्स ट्रेंड, जो आजकल ट्रेंड्स में वर्ड है, ट्रेंड में वर्ड है, ठीक है। देखिए ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वन। जो आप नए वर्ड को क्रिएट करते हो, दो वर्ड्स को मिला देते हो, यूजुअली बाय टेकिंग द बिगिनिंग एंड ऑफ द अदर वर्ड एंड एंड ऑफ द अदर वर्ड। मीन्स एक वर्ड का बिगिनिंग ले लेते हो, एक वर्ड का एंड ले लेते हो। एग्जाम्पल देखो, ब्रेकफास्ट में आपने यहां से उठाया ब्र और यहां से उठाया अंश, तो ब्रंच हो गया। जो हम ब्रेकफास्ट और लंच का जो हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रंच, क्लियर। मोटेल, मोटेल कैसे बना? मोटर का मो उठाया, होटल का टैल उठाया, तो मोटेल बन गया, ठीक है। वेबिनार, वेब उठाया और यहाँ पे इनार उठाया, तो वेबिनार बन गया, क्लियर। तो इस तरीके की ब्लेंडिंग होती है। एग्जाम्पल देखिए, पिक्चर प्लस डिक्शनरी, पिक्चर डिक्शनरी, पिन प्लस इंटरेस्ट, पिन इंटरेस्ट, इंटेलिजेंट प्लस कैलकुलेटर, इंटेलिकेल। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स आपको इस पिक्चर में मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट है। फर्स्ट था कंपाउंडिंग, रिवाइज कर लेते हैं। चलो फर्स्ट था कंपाउंडिंग, जिसमें आपने दो वर्ड्स को मिला के एग्जैक्टली वर्ड बनाया। सेकंड था क्लिपिंग, जिसमें आपने शॉर्ट किया। और थर्ड था ब्लेंडिंग, जिसमें आप दो वर्ड्स को कुछ पार्ट आगे का कुछ पार्ट पीछे का लेके एक नया वर्ड बनाते हैं, जो कि आजकल ट्रेंड में है, ब्लेंडिंग, ओके। चले आगे चलते हैं। अब ये वैसे ही वर्ड्स हैं जो आपको करने हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट करना मीन्स छोटा करना, तो कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इज अ वर्ड मेड बाय शॉर्टनिंग और कंबाइनिंग टू वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को शॉर्ट करके और कंबाइन करके बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, कैंट बना, तो कैन प्लस नॉट को आपने कंबाइन किया, शॉर्ट किया, तो बना कैन नॉट, क्लियर। डोंट बनाना है तो डू प्लस नॉट से बनाओ। आई हैव बनाना है तो आई प्लस हैव से बनाओ। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्शन है। मेनली जो लोग हैं, पीपल हैं, यूज कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था आप कॉन्ट्रैक्शन, आप एब्रीविएशंस का कब यूज करते हैं? जब आप नोट टेक करते हैं या नोट मेक करते हैं, बताइए। नोट टेक या नोट मेक, कब आप एब्रीविएशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं? नोट मेक करने में या नोट टेक करने में? बिल्कुल ठीक है, नोट टेक करने में। क्योंकि देखिए, जो आपको नोट, आप की कोई लेक्चर बोल रहा है, अब उसके लेक्चर को कॉपी करते हैं तो कुछ छूट ना जाए, तो इसीलिए आप एब्रीविएशन का यूज करते हैं। तो नोट टेक करने में आप एब्रीविएशन का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। इजंट, दे आर, वॉजंट, वेरंट, डजंट, डोंट, डिडंट, हैडंट, वी हैव, ये काफी एग्जाम्पल है। तो काफी एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर याद रखिएगा, जो पिक्सल है आपका 360 पिक्सल होना चाहिए, उससे कम करेंगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। जब भी आप वीडियो देखें तो 360 पिक्सल पे वीडियो जरूर देखें, ओके। चलते हैं आगे। अब वर्ड है लेक्सिकल वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, फिर आप कंफ्यूज रहते हैं, मैम लेक्सिकल वर्ड्स होते क्या हैं? तो देखिए लेक्सिकल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अपने इनडिपेंडेंट मीनिंग होते हैं, जो आपको डिक्शनरी में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ड्स। इनके आपको दो नाम और देखने को मिलेंगे, फर्स्ट है कंटेंट वर्ड्स और सेकेंड है ओपन क्लास वर्ड्स। देखिए लेक्सिकल वर्ड्स को दो और नाम से जानते हैं,
फर्स्ट कंटेंट वर्ड्स एंड सेकेंड ओपन क्लास वर्ड्स। अब ये वर्ड्स होते क्या है? ऐसे वर्ड्स जो आपको डिक्शनरी में जिनका मीनिंग देखने को मिलता है उनको आप कहते हैं लेक्सिकल वर्ड्स। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखिए, नाउन। नाउन आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स होते हैं। आप किसी भी गर्ल, एक नाउन है, तो आपको गर्ल अगर आप डिक्शनरी में सर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ लड़की कहते हैं, ठीक है। तो आपको नाउन का मीन डिक्शनरी में देखने को मिलता है, तो ये आ गए लेक्सिकल वर्ड्स की श्रेणी में। नेक्स्ट है आपको वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स होता है क्रिया। क्रिया मीन्स होता है काम का करने को हम बोलते हैं क्रिया। तो देखिए से है, से अगर आप डालेंगे डिक्शनरी में तो आपको मतलब देखने को मिलेगा, साथ साथ इसकी सारी फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, सेड, विल सेड, क्यों हुआ से, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा विद फॉर्म्स। वियर मीन्स होता है पहनना, ठीक है, तो पहनने का आपको मतलब डिक्शनरी में भी मिल जाएगा, ठीक है। वर्ब्स मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं विशेषण, ठीक है, जब क्रिया और सॉरी जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है। प्रीति, प्रीति मीन्स वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, हम बोल देते हैं प्रीति, तो आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ब्लू, ब्लू एक कलर है, ठीक है, तो ब्लू ऑब्वियसली कलर है तो विशेषता बता रहा है किसी चीज की, बताएगा ब्लू स्काई बोल दो तो स्काई को बताया, स्काई एक आपका नाउन है तो स्काई की विशेषता बता दी, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एडवर्ब्स, ठीक है, तो क्विकली और हार्डली, क्लियर, ये सब आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेंगे। तो ये सब हो गए आपके लेक्सिकल वर्ड, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ओके। इजी है, कोई टफ नहीं है, बस एक बार समझ आ गया तो फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। बाकी रिवीजन करने के लिए वीडियो को एक हफ्ते में एक बार देख लीजिए, ओके। ये पिक्चर में भी यही बताया गया है कि जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं, वर्ड्स मीन्स मॉर्फीम होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो ये मॉर्फीम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ओपन ओपन क्लास, ठीक है, क्योंकि इनमें आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो। ये नाउन होते हैं, वर्ब्स होते हैं और एडजेक्टिव होता है, लाइक गर्ल नाउन है, जंप वर्ब है और रेड क्या है, एडजेक्टिव। काफी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, आपके रियल लाइफ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आइए लास्ट है ये आज का, दैट इज फंक्शनल वर्ड। देखिए फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो आप पीछे वालों की हेल्प लेते हो, मींस जो आपने पीछे पढ़े हैं आप इनको बताने के लिए फंक्शनल वर्ड्स का यूज करते हैं, वो बताएंगे कैसे। देखिए जैसे आपकी, ओके फाइन, जैसे आपकी जो बुक है, अभी आपके सामने फोन है आपका, आपकी जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो ऑन द टेबल, तो जो टेबल थी वो क्या थी? नाउन। और जो बुक है, ठीक है, वो भी क्या है? नाउन। तो जब हमने नाउन को दिखाया, नाउन कहाँ है, नाउन की पोजीशन बताई, तो वो हो गए आपके फंक्शनल वर्ड, जो आप किसी नाउन, किसी किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेष की प्लेस बताए, या वो कैसे हैं, वो कितने हैं, वो क्यों हुए, इस टाइप का जो उनके फंक्शन को बताया ना, उसको उसको हम कहते हैं फंक्शनल वर्ड्स। देख लेते हैं वो क्या है। फंक्शनल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन और टू क्रिएट ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स इनटू व्हाट व्हिच कंटेंट वर्ड्स मे फिट। बिल्कुल ठीक है, देखिए कंटेंट वर्ड्स भी आ गया, कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे ग्रामेटिकल रिलेशनशिप जो हम बताते हैं कि जो वो आप जो पीछे आपने लेक्सिकल वर्ड्स पढ़े थे उनको कैसे फिट किया जाए, उनसे कैसे एक उनका जो मतलब बोलते हैं ना आंसर मिले, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल वर्ड्स। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा, देखिए। अच्छा पहले ये देख लीजिए, इनका जो दूसरा नाम है वो है ग्रामेटिकल वर्ड्स, क्योंकि ये ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है प्रेपोजिशन। जो प्रेपोजिशन होता है वो किसी नाउन की पोजिशन बताता है, जैसे ऑन द टेबल, विद मी, इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, तो जो भी है उसका पोजीशन बताया गया। नेक्स्ट है प्रोनाउन, ठीक है, अब आप जानते हैं प्रोनाउन जो जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं हम उन्हें कहते हैं प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है। नेक्स्ट आ गए आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल आप जानते हैं, कॉमन नाउन के लिए आप अ यूज करते हैं, फिर आप जिनके आगे वोवल साउंड आती है, वोवल है, उनमें आप एन यूज करते हैं, द आप डेफिनेटली यूज करते हैं, तो आर्टिकल्स
वो आ गए, ठीक है। और कंजंक्शन आप जानते हैं, कनेक्टर्स के नाम से जानते हैं, दो वर्ड या दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, एंड बट व्हेन इफ, ठीक है। नेक्स्ट आ गए आपके क्वांटिफायर, जो आपको क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है, लाइक मे, फ्यू, लिटिल, सम, ठीक है। ये सब आप ग्रामर में पढ़ते हैं, ओके। चलेंगे आगे, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल और है, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आ जाते हैं इसमें, लाइक आर, वॉज, हैज, कुड, शुड। प्रेपोजिशन हमने पढ़ लिए, कंजंक्शन पढ़ लिए, कनेक्ट करते हैं, डिटरमाइनर्स में सब आ जाते हैं, लाइक आपके क्वांटिफायर्स भी आएंगे इसमें, आर्टिकल्स भी आएंगे आपके, ठीक है। और प्रोनाउंस आप जानते हैं, प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, आई, इट, वी, दे, ही, शी, ठीक है। ये सब आते हैं आपके लेक्सिकल वर्ड्स में। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये वोकैबुलरी सेशन पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि ये जो वोकैबुलरी सेशन है, इसको एक बार नहीं, चार पांच बार जरूर देखें, नॉट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर्स, बिकॉज जब आप वोकैबुलरी को चार पांच बार देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ इनको माइंड सेट करना है कि जब हमने वर्ड पढ़ा था तो क्या था, जब अभी हमने कोरिलेट किया तो क्या है, तो ठीक है। इसीलिए सेशन देख लीजिएगा दोबारा। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक खुश रहिए, बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ा हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।